एसआरआ के बोले थे, नोबडी कैन स्टॉप ऑन बेसिक एक्सेप्ट गॉड। इस बात को भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। शायद उनका मर्जी है और थोड़ा टाइम लगेगा। आज के डेट में हमारी मर्चेंट को लेके हमें थोड़ा सा फेस करना पड़ रहा है, वो भी प्रॉब्लम सॉल्व होगा क्योंकि सॉल्व करने के लिए एसआर और टेट टीम लगे हुए हैं। तो हम अपने एक्सपेक्टेशन वहां लगाए जहां सही हो, तो हो जाता है। वी आर कॉमन पीपल, हम लोगों से भी गलती होता है। लेकिन एक बहुत अच्छी बात यह भी है कि वी आर यूनाइटेड ऑल्स, हम सभी यूनाइटेडली आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग आज, हमें लग रहा है कि आज अगर हमारा विड्रॉल लग जाता तो बहुत बढ़िया होता, नहीं लगा तो हम प्लेटफॉर्म को छोड़ दिए, ऐसा भी हम नहीं कर रहे हैं। ये बहुत पॉजिटिव प्लस पॉइंट है। हम लगे हुए हैं। अभी सुबह क्या अपडेट आया, खुशबू मैम क्या बोल रहे हैं, रेखा मैम क्या बोल रहे हैं, सरिता मैम, विजय, सारे लीडर्स, अनुप गवंडे सर क्या बोल रहे हैं, हम सुनने के लिए बेकुल हो जाते हैं। ये पॉजिटिव पॉइंट है। ऐसा अगर आज 360 में आ जाएंगे तो चार चांद लग जाएगा। ये जो हमारा जो अंदर जो एक खलबली है, ये भी पॉजिटिव है। तो हम सब मिलके पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़े। बार बार एक ही बात आ जाता है, पॉजिटिविटी। हम विदाउट पॉजिटिविटी कुछ कर भी तो नहीं सकते, कोई भी, हम नहीं, कोई भी। आज दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल पीपल है, जिस भी प्लेटफॉर्म से, वो गाना गाते हैं, वो खेल कूद करते हैं, वो बिजनेस करते हैं, वो किसी कंपनी की सीईओ है, वो किसी राष्ट्र की प्रधानमंत्री है, किसी मंत्री है, कहीं भी कुछ भी सक्सेसफुल पीपल, वो ऐसे ही सक्सेस नहीं हो जाते हैं। और बहुत पेशेंस के साथ एक लंबा टाइम ड्यूरेशन क्रॉस करता है पॉजिटिव वर्क को लेके, उस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ा हुआ पॉजिटिव वर्क को लेके। मैंने कहीं एक बार पढ़ा था कि देखिए, हम लोग हर वक्त ना तालियां बजाते हैं फिनिश प्रोडक्ट देख के। तब मैं बहुत ज्यादा, आज के डेट में तो मान लीजिए परिवार के प्रेशर से थोड़ा सा कम हो गया क्रिकेट खेलना देखना, लेकिन एक टाइम था मैं 24 आवर्स क्रिकेट के साथ जुड़ा रहता था। मुझे याद है शारजा में सचिन तेंदुलकर सर ने बोला था, एक तूफान आया था सचिन तेंदुलकर सर के नाम से, वो तूफान को देख के हर बॉल में चौका छक्का मार रहे हैं सर, वो देख के हम लोग एकदम ओवर एक्साइटेड हो गए थे, लेकिन हमें तो फिनिश प्रोडक्ट देख रहा था। वो जो सचिन तेंदुलकर बने हैं, जब वो लोकल ट्रेन में वो ऊपर वाला हैंडल पकड़ के वो प्रैक्टिस के लिए जाते थे और दिन दिन भर प्रैक्टिस करते थे, कभी सही वक्त पर उसे खाना भी नहीं मिलता था, वो टाइम देखना जरूरी है जब वो बन रहे थे। जब वो बन रहे थे तब, और उल्टा साइड से और एक चीज देखिएगा कि वैसे ही प्रैक्टिस, वैसे ही लेबर कर करके उनका ही दोस्त विनोद कंबली सर, वो उस लेवल का सक्सेस नहीं पाए। तो सक्सेस एक ऐसा चीज है ना जो लगातार हमें लगे रहना पड़ेगा। हम अचीव कर लिए ये सोच के स्टॉप करना नहीं है। तो हम लोगों को एस सर का जो ये जो माइंडसेट है, ये जो एट ए स्ट्रेस वो सर काम कर रहे हैं, एक बार 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 रमक गसर आके बोलते हैं प्लेटफॉर्म में, एक बार रमक गसर सर को पूछ लिए थे कि सर आप कितने टाइम सोते हैं, सर का जो आंसर था वो भयानक था, वैसा हमें नहीं करना है। तो सक्सेसफुल लोग हैं होते ही ऐसे हैं, ड्रीमर्स होते ही ऐसे हैं, जो कुछ किसी काम को लेके आगे बढ़ते हैं वो ऐसे ही काम करते हैं, तब जाके हिस्ट्री क्रिएट होता है। तो हिस्ट्री क्रिएट करना है तो हमें थोड़ा सा धीरज के साथ
थोड़ा सा पेशेंस के साथ, थोड़ा पॉजिटिव लोगों के साथ, खुद पॉजिटिव है लेकिन और पॉजिटिव लोगों के साथ एसोसिएट होके हमें आगे बढ़ना है, और वेट फॉर द गॉड्स टाइम। थैंक यू मैम, आज मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच गौतम सर, थैंक यू सो मच आपकी वैल्यूबल वंडरफुल नाइस शेयरिंग के लिए। बिल्कुल सर ने जो वो भी बातें यहाँ पर रखी हमें बहुत अच्छे से बताई हैं कि एक सेलिब्रिटी, क्योंकि सेलिब्रिटीज हम सभी अगर कहेंगे तो सोशल मीडिया में हम देखते क्या, हमें किसे फॉलो करते हैं, सेलिब्रिटी पर्सन को, कि उन्होंने अपनी लाइफ में सफलता हासिल करी है। लेकिन ये सफलता उन्होंने किस तरीके से हासिल की है, हर एक पर्सन ने अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया है। आप किसी भी पर्सन को ले सकते हैं, चाहे वो आप बॉलीवुड स्टार को ले लीजिए, हॉलीवुड स्टार को ले लीजिए, या क्रिकेट जगत के लोगों को ले लीजिए, इंडस्ट्रीज जगत के लोगों को ले लीजिए, किसी भी पर्सन को आप ले सकते हैं। यहाँ पर स्ट्रगल हर किसी ने अपनी लाइफ में स्टार्टिंग में की ही है। सफलता पहले दिन किसी को भी नहीं मिली है, और जब सफलता मिल गई तो सफलता रखने के लिए, मतलब सफलता में आप वो टिके रहे उस मुकाम पर, जो मुकाम आपने हासिल करी है उस मुकाम पर आप बने रहे, उसके लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है, उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। नहीं तो कब आप सिर के ताज से आप पांव के अपने धरती पर आ जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि कंपटीशन का जमाना है भाई। और यहाँ पर तो अपडेट करना, खुद को अपग्रेड अपग्रेड करना भी बहुत जरूरी है। तो यस, इन सभी बातों को हर एक पर्सन समझते भी है और जानते भी हैं। तो यस, ऑन पैसिव भी कुछ इसी तरीके का बोल सकते हैं, कि कुछ ऐसा प्रोडक्ट, कुछ ऐसा वो करने जा रही है कि वाकई में हर एक पर्सन सोच में रह जाएगा कि ये भी हो गया, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगी विजय कुमारी मैम को, तो प्लीज मोस्ट वेलकम मैम, मंच पर आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सरिता मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और हमारे राइज एंड शाइन के मंच पर जितने भी मेरे मेंटर्स, मैं प्यार करती हूँ, और जितने भी लोग हमें यूट्यूब पर सुन रहे हैं उनको भी मैं बहुत बहुत नमस्कार करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो आज फिर से हमारे साथ बने हुए हैं, अपना वैल्यूबल टाइम निकाल कर और यहाँ से वो अपडेट लेने के लिए बने हुए हैं, तो उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग देखिए डेली कोशिश करते हैं, है ना, कोशिश करते हैं कि सभी लोग जो हैं वो अगर ऑन पैसे में हैं तो हम लोग पॉजिटिव बने रहें, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है ना यहाँ पर वो सब हम सबके लिए हो रहा है और बिल्कुल अच्छा हो रहा है। और सभी ने बहुत अच्छी अच्छी शेयरिंग यहाँ पर अपने मन की बात रखी है, तो मैं भी अपने मन की बात रख रही हूँ कि देखिए पेशेंस है ना बहुत जरूरी है लाइफ में। जब कभी भी हम लोग ट्रेन में सफर करते हैं ना, तो कई बार क्या होता है कि ट्रेन हमारे जो मेन स्टेशन पर ना रुककर वो कभी थोड़ा सा पीछे आउटर में रुक जाती है, और फिर हम लोग जो होते हैं ट्रेन में बहुत सारे लोग वो पेशेंस खो देते हैं अपना, कोई कि अभी यहाँ क्यों रुक गई, मुझे अभी अभी तक तो मैं वहां पहुंच जाता, अभी तक तो मैं नेक्स्ट अपनी ट्रेन पकड़ लेता या बस पकड़ लेता, अरे अभी तक तो मैं घर पहुंच जाता, है ना। और फिर बहुत से लोग जो होते हैं वो शांति से